हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग सभी लोग घर पर होंगे सुरक्षित होंगे और जो भी सरकार के नियम हैं उनको सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है घर पे रहें सुरक्षित रहें घर से बाहर ना निकलें ठीक है क्योंकि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को नहीं अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा तो चलिए आज हम आपको इस लेक्चर सेवन में आप सभी का स्वागत करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे इसके पहले वाले जो है लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी किस चीज़ की बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करी थी इंटेंसिटी की बात करी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने एक डेरीवेशन भी यहाँ पर ड्राइव किया हुआ था एक डेरीवेशन भी हमने ड्राइव किया था ई इज़ इक्ल टू वन बाय फोर पाई एफ सैल इन नॉट क्यू अपन आर स्क्वा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये यहाँ पे हमने ड्राइव किया हुआ था ठीक है अब यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ देखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस भी हम इनको कह सकते हैं तो अब हैं क्या इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस इज अ इमेजिन इमेजनरी लाइन क्या है एक टाइप की इमेजनरी लाइंस हैं कौन सी हैं इमेजनरी लाइंस हैं और कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीज़न ऑफ एम्पटी स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर एट दैट पॉइंट द रिलेटिव क्लोज एन क्लोजनेस ऑफ द लाइन एट सम प्लेस इज गिविन एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट अब बिल्कुल ध्यान से सुने ये कह क्या रहे हैं जैसे एक कोई फ्री स्पेस है हमारे पास अभी हमने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया था एक फ्री स्पेस है जहाँ चार्ज क्यों ठीक है तो अब यहाँ पे इसके टेंजेंट इस फील्ड के टेंजेंट जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है साथ में उसकी इंटेंसिटी को बताता है तो अब ये जो लाइंस हैं वो हैं क्या एक इमेजनरी लाइंस हैं क्या है स्टूडेंट्स ये एक इमेजनरी लाइन है दोस्तों ध्यान से देखें एक टाइप की क्या है इमेजनरी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन कैसी होती हैं इमेजनरी लाइंस होती हैं टेंथ में आपने मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस पढ़ी होंगी इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं जो कि क्या होती हैं एक टाइप की इमेजनरी होती हैं कैसी होती हैं एक इमेजनरी लाइंस होती हैं ठीक है कैसी लाइंस होती हैं इमेजनरी लाइंस होती हैं यहाँ पे आप इस टाइप से देख सकते हैं इमेजनरी लाइन्स हैं ठीक है अब इनको किसने ड्राइव किया किसने इनको खोजा तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वॉज इंट्रोड्यूसड बाय माइकल फेराडे किन इनको जो है खोजा माइकल फेराडे किन्ने माइक्रो फेराडे माइकल फेराडे ने इसको इंट्रोड्यूस किया विच हेल्प हिम टू इजीली विजुलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग इंट्यूशन टूशन रेदर दर मैथमेटिक्स मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब सीधी सी अगर बात कहें कि अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस को किन्ने इंट्रोड्यूस किया तो किन्ने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले माइकल फेराडे ने किन माइकल फेराडे ने चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ पे बात आ रही है प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज इज़ बींग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज कर्व एंड दे डू नॉट स्टार्ट और स्टॉप मिड स्पेस मतलब पॉजिटिव से हमेशा निकलेंगी और नेगेटिव पे हमेशा क्या होंगी एंड होंगी मतलब इस तरीके से फील्ड्स ऑफ लाइंस फॉर्म होते हैं इस तरीके से फील्ड्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं फॉर्म होती हैं स्टूडेंट ध्यान रहे कि ये क्या होता है इनका ये डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव इनकी डायरेक्शन होती है हमेशा ठीक है ना तो ये क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन होती हैं सभी को क्लियर है ओके okay. अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट जो आ, जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस लीविंग पॉजिटिव चार्ज और एंट्रिंग अ नेगेटिव चार्ज मतलब हमेशा पॉजिटिव चार्ज को लीव करेंगी पॉजिटिव चार्ज को क्या करती हैं लीव करती हैं और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा क्या होती हैं एंड होती हैं ठीक है थीके? ये हो गई आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ठीक है यहाँ पे आपको यहाँ पे ये यह चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा पॉजिटिव पे क्या होंगी निकलेंगी ठीक है जितनी पॉजिटिव से उतने ही क्या होंगे नेगेटिव पे इंटर होंगे ठीक है ओके अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं थर्ड मतलब जो थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं ध्यान रहे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर क्लियर है क्लियर है? है सभी को कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती है? इंटरसेक्ट नहीं करती हैं ठीक है ना अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट में यहाँ पे बताया गया है कि इन एना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये होती यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे जैसे ये नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करना हो ना हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर सेम है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट पैरल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन एना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट पैरल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड कैसी होती है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है टू लाइन्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है सेम होती है कैसी होती है सेम नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन्स इस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन्स होती है, कभी close loop form हैं. हैं कभी भी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं क्या नहीं करती हैं कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं ऐसा लाइन के नेवर स्टार्ट एंड एंड द सेम चार्ज इसका मतलब है जैसे पॉजिटिव है ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव पे ही स्टार्ट हुई पॉजिटिव पे ही फिनिश हुई नहीं पॉजिटिव से हमेशा स्टार्ट होती हैं और पॉजिट जो है नेगेटिव पे हमेशा क्या होती हैं एंड होती हैं पॉजिटिव पे स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे क्या होती हैं एंड होती हैं ठीक है, है, है? है अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी दिस फील्ड्स लाइंस आर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल मतलब ये हमेशा कहाँ से फ्लो होती हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे एंड होती हैं हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल ठीक है हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस इज जीरो देन इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन डू नॉट एग्जिस्ट मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है उस जगह पर कोई भी टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन कोई भी टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्लियर है इस पॉइंट को नेक्स्ट द टेंजेंट ऑफ अ लाइन एट एनी पॉइंट इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने बताया था कि जब जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा तो वो उसके क्या बताएगा डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन को एट द पॉइंट इज ऑल्सो दैट पाथ ऑफ बिच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल टेंस टू मूव इफ फ्री टू डू सो सो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि क्या होता है फ्री होता है ठीक है मतलब उसकी डायरेक्शन को शो करता है ठीक है अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे इस जो है लेक्चर में क्या क्या देखा सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन क्या है सबसे पहले ध्यान देखें इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन क्या होती हैं इलेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स भी कहते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टीज़ की भी बात यहाँ पर हमने की है ठीक है ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद